आज हमारे साथ है मराठ के कार्य सम्राट असलम शेख जी, जिन्होंने ये साबित कर दिया है अगर करना हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है। जैसे आप मेरे सामने ये मैदान देख रहे हैं, बेहतरीन मुकाबले इस मैदान पर है। लाजवाब अगली गेंद, कासम गेंद उठाकर खेल दिया, फाइनल इसका लक्ष्य क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा के बाहर, छह रन के लिए एम्प्लॉय सिक्स लगता हुआ ताली, 1000 रुपए का नकद इनाम भी कासम के नाम आता हुआ। मिश्र भाई ने घोषित किया था वही इनाम लाकर देंगे यहाँ पर, जरूर आइए, महेश भाई को देना ही होगा इनाम की राशि। कासम गेंद उठाकर खेल दिया, फाइनल इसका लक्ष्य क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा के बाहर, छह रन के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको कोई भी एक मंच अगर मिलता है मंच पे जाना चाहिए, मौका मिलता है मौके को भुनाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, शर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर चीज को हम शर्माएंगे तो हम पीछे रहेंगे। अगर गांधी जी ने सोचा होता था कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाती, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। आपके अंदर अगर कुछ बातें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसे बाहर निकालिए। आज कितना टैलेंट हट्स है आप टीवी पे देख सकते हैं, बच्चों को होनहार बच्चों की तलाश होती है, कितनी टैलेंट हट्स हैं। आप लोग घरों में डांस करते हैं, उसी डांस को बाहर लेकर आएँ, स्टेज पर आएँ, अपने टैलेंट को जग जाहिर करें और आप कहीं ना कहीं एक मकाम तक जा सकते हैं। आपको अक्षय कुमार के बारे में तो मालूम ही होगा। साबित कर दिया है अगर करना हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है। जैसे आप मेरे सामने ये मैदान देख रहे हैं, कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन में ये मैदान नहीं था, यहाँ के लोगों को खेलने की काफ़ी समस्या आ रही थी। असलम शेख जी ने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि मलाड प्रीमियर लीग यहाँ पर होगा और उसको उन्होंने साबित किया है। तो हमारे साथ है सीधा असलम शेख जी। असलम शेख जी, ये बताइए कि ये मैदान बनाने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कोई शहर में जितनी लोक संख्या है उस आधार पर देखी जाए तो ग्राउंड जो है बिल्कुल नहीं है। आज स्लम के अंदर हम चाहते हैं कि बच्चे खेलें, आज स्लम के अंदर हम चाहते हैं कि बच्चे खेलें, उन्हें तैयार हो और देश के लेवल पर खेलें। इतने बड़े 1.5 लाख की बस्ती के अंदर अगर आप सही तरीके से गए तो एक तो फुल प्लेन ग्राउंड है, एक ग्राउंड हमने तैयार किया था तो किसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3-4 साल के लिए अपने यहाँ के काम के लिए ले लिया। हमारे सेफ है, देखिए कितनी पैनी निगाह उनकी। एक समय ऐसा लगा कि सारे दर्शक निर्विकेट की तरफ देख रहे थे कि गेंद गई कि क्या गया, बाद में मालूम पड़ा कि बल्ला गया। 5 गेंदे 10 रन।